केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जहां कांकेर में 15 जून तक तो वहीं रायगढ़ में 5 जून तक कुछ छूट के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। पेंड्रा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दुकान संचालन की अनुमति दी गई है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स भी दुकानें खोल सकेंगे और सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी खुल सकेंगी। बता दें कि इन दोनों दुकानों को संचालन की अनुमति दी गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, वहीं कुछ जगहों पर लॉकडाउन खोला गया है, क्या जानकारी? देखिए, जैसे कि पहले ये गाइडलाइन तय कर दी गई थी कि जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है वहां पर लॉकडाउन बना रहेगा, और जहां पर ये रेट कम है वहां पर लॉकडाउन अनलॉक 1-2 के तर्ज पर धीरे धीरे खोला जाएगा। तो ऐसे में जो 28 जिले छत्तीसगढ़ के संक्रमण से प्रभावित थे उसमें ज्यादातर जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम हो गई है, और जो कुछ 3 जिले थे जहां पर अभी भी संक्रमण है वहां पर लॉकडाउन जारी रखा गया है। बाकी जिलों में अनलॉक 2 की स्थिति है, जहां पहले जिन दुकानों को छूट दी गई थी उसमें और इजाफा किया गया है, अब सैलून को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। तो आज से छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिले अनलॉक की स्थिति में हैं, लेकिन 3 जिलों की स्थिति को देखते हुए वहां पर कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, तो उसके लिए अलग अलग आदेश जिलों से जारी हुए हैं। लेकिन पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति है कि अब अनलॉक 2 की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से 30 तारीख तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन जो रियायत है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसके हिसाब से 6 बजे तक सारी व्यापारिक गतिविधियां चलती रहेंगी। जी मोहन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, साथ ही कुछ जिलों में लॉकडाउन खोला गया है, लेकिन कुछ छूट दी गई है और कुछ चीजों पर अब भी प्रतिबंध लगाया गया है।